नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का फटाफट खबरों में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर उन पर सीधा हमला कर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान विचलित करते हैं। पढ़ा लिखा आदमी नाली से गैस निकालने की बात नहीं करेगा, बादल के पीछे रडार नहीं पकड़ा जा पाएगा और ऐसा लगता है कि उन्हें विज्ञान के बारे में कुछ नहीं पता। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुई हिंसा के बाद से राजनीति अपने चरम पर है। आपको बता दें कि इसी के बीच शनिवार को बड़ी खबर सामने आई है कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के दिन हिंसा की सीआईडी जांच करेगी। राज्य सरकार ने सीआईडी जांच का आदेश दिया है। इलाके में पुलिस की गश्त को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। सीआईडी के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप समेत कई ब्रांच जांच में शामिल होंगी। इसमें डीआईजी रैंक के अधिकारी मौजूद होंगे। इसी के साथ ही राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी के हिंसा को लेकर ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्रदेश के 10 शिक्षण संस्थानों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे 100 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति हड़पने के मामले में 18 नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये कार्रवाई ईडी की ओर से फरवरी संस्थानों की जांच में मिली गड़बड़ी के आधार पर की गई है। छात्रवृत्ति हड़पने के लिए संस्थानों ने अपने कर्मचारियों और अन्य काल्पनिक व्यक्तियों के नाम से बैंक एजेंट से मिलकर फर्जी खाते खोलकर उनके डेबिट कार्ड भी अपने पास रख लिए। प्रभारी निरीक्षक हजरतगंज अखिलेश मिश्रा के मुताबिक मामले की रिपोर्ट संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था उपेंद्र कुमार अग्रवाल के आदेश पर हजरतगंज थाने में तैनात एसएसआई दयाशंकर द्विवेदी ने दर्ज कराई है। बहराइच जिले के सेमरी गांव निवासी एक युवक शुक्रवार को लखनऊ जाने वाली रोडवेज बस पकड़ने के लिए बाइक से निकला। कुछ दूरी पर पहुंचने पर युवक पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को गंभीर हालत में सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। रायबरेली में बीजेपी विधायक अशोक कुरी धरने पर बैठे हैं। बीजेपी विधायक पुलिस प्रशासन के विरोध में सड़क पर धरने पर बैठे हुए हैं। आरोप है कि अवैध अतिक्रमण न हटाने से बीजेपी विधायक नाराज है। तो वहीं अशोक कुरी सलोन विधानसभा से बीजेपी विधायक है। आपको बता दें कि घटना सलोन कोतवाली क्षेत्र के राजा मियां के पूर्वा की है। बिजनौर में मां के साथ जंगल गए 5 साल के बच्चे पर गुलदार ने हमला कर दिया। गुलदार के हमले से मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। मां ने महिलाओं की मदद से बमुश्किल गुलदार से अपने बच्चे को बचाया। घटना थाना हमीरपुर दीपा के रहरा गांव की बताई जा रही है। कासगंज के रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल रेलवे स्टेशन पर बनी कैंटीन में अचानक आग लग गई, जिससे कि रेलवे स्टेशन में अफरा तफरी का माहौल हो गया। रेलवे पुलिस और इसी के साथ ही रेलवे कर्मचारियों ने आग बुझाने वाली मशीनों से बमुश्किल आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने का कारण पता नहीं लग पाया है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर यह कैंटीन है। रेलवे पुलिस और रेलवे कर्मचारियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। झांसी की बहुचर्चित डकैती कांड में कल गुरसराय पुलिस ने डकैती कांड के 2 शातिर बदमाश डकैती का सामान और एक चाकू सहित गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बताते चले कि झांसी जिले के पुलिस कप्तान राजेश एस के विशेष निर्देशन में डिप्टी एसपी गरोटा विवेक सिंह और इसी के साथ ही थानाध्यक्ष ललितेश नारायण त्रिपाठी की विशेष देखरेख में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस की ओर से थानाध्यक्ष ललितेश नारायण, इंस्पेक्टर अतुल कुमार, इसी के साथ ही गुरसराय मऊ मार्ग पर आड़ी सड़क पर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे और इस खुलासे से पुलिस ने काफी राहत की सांस ली। अलीगढ़ में जमानत पर छूटे मर्डर के आरोपी ने शराब के नशे में अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे कि 5 लोग घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं आरोपी भूरा का सोनपुर निवासी यशपाल से गुरुवार शाम को झगड़ा हो गया था। तो वहीं शराब के नशे में फायरिंग कर दी गई, जिसकी चपेट में 5 लोग आ गए। घायलों को अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। शुक्रवार शाम को पीएनबी बैंक में 31 मार्च के चलते क्लोजिंग टाइम चल रहा था। उसी समय अचानक से बैंक में बना पावर बॉक्स में से धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते धुआं के लपटों में बदल गया और इसी के साथ बैंक में लगी आग को देखते हुए अफरा तफरी मच गई और बैंक में चारों तरफ धुआं फैल गया। उसके बाद बैंक के कर्मचारियों ने बाहर निकलकर सबसे पहले सूचना उल्धन थाना अध्यक्ष मुकेश सिंह चौहान और चौकी प्रभारी बंगरा सुरेंद्र सिंह को दी। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने और बैंक के कर्मचारियों ने बड़ी मशक्कत के साथ अग्निशामक यंत्र से शीशा तोड़कर आग पर काबू पाया। महोबा में नगर पालिका की बेशकीमती जमीन कूट रचित ढंग से कब्जा कर बेचने के मामले में आखिरकार नगर पालिका ईओ की तहरीर पर एक मृत व्यक्ति सहित 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। एफआईआर दर्ज होने से मुआवजाओं में हड़कंप मचा हुआ है। आरोपियों में 3 तत्कालीन सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं, जिसमें से एक की मृत्यु हो चुकी है और अब पुलिस मामले की अग्रिम कार्रवाई में जुट चुकी है। उत्तरकाशी में आज गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट खोल दिए गए हैं, जहां देश विदेशों से पर्यटक आपको बता दें कि वहां पर पहुंच रहे हैं। पार्क गंगा भागीरथी का उद्घाटन स्थल गौमुख में स्थित है। इसकी धार्मिक यात्रा से जुड़ा गौमुख तपोवन ट्रैक के साथ यहां केदारताल, जनकताल, इसी के साथ ही कालिंदी खाल ट्रैक आती भी है। आगरा में भाजपा नेता के भतीजे पर गोली चलाने का आरोप है। मामला एदमदौला क्षेत्र के रामबाग क्षेत्र का है, जहां 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसको लेकर बीच विवाद हुआ और गालियां भी बरसी गई।
गोली चलने से ग्राहगीरों में दहशत का माहौल फैल चुका है। भाजपा नेता के भतीजे द्वारा गोली चलाने का वीडियो वायरल भी हो रहा है। अमेठी के थाना मुंशीगंज पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। मंडल पदाधिकारियों के साथ भेंट हुआ मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश तिवारी भी धरने पर बैठे हैं। दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता धरने पर मौजूद है। थाना प्रभारी पर कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक थानाध्यक्ष मुंशीगंज से हटेंगे नहीं, तब तक हम इसी तरह से धरने पर बैठे रहेंगे। प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत पांडे के माफी मांगने के बाद ही धरना समाप्त होगा। कानपुर की ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से नेशनल हाईवे पर हड़कंप मच गया। लक्ष्मी ऑयल फैक्ट्री में संदिग्ध परिस्थिति में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में कई कर्मचारियों के फंसे होने की आशंका है। भीषण आग से धुएं का गुबार हवा में फैल गया। कानपुर देहात के रनिया थाना क्षेत्र के उमरन में ऑयल फैक्ट्री स्थित है। सूचना पर आनन फानन में पुलिस और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कवायद में दमकल की टीम जुटी है। भारी मात्रा में ऑयल होने की वजह से फैक्ट्री में आग विकराल रूप ले रही है, तो वहीं अंदर फंसे कर्मियों को रेस्क्यू कर निकाला जा रहा है। नवाबाद थाना क्षेत्र के सिविल लाइन में मॉर्निंग वॉक कर रहे चकबंदी अधिकारी के साथ दबंगों ने मारपीट कर रोही की रॉड मारकर हमला करते हुए घायल कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कार्रवाई शुरू कर ली। कानपुर में मोबाइल टावर गिरने से किसान की मौत हो गई। तेज हवा और भीषण बारिश से मोबाइल टावर गिर गया। मोबाइल टावर गिरने से किसान की मौके पर दबकर मौत हो गई, तो वहीं घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के गल्ला मंडी के पास का। तीर्थनगरी ब्रजघाट में बनारस के तर्ज पर नित्य प्रतिदिन सुबह शाम भव्य आरती का आयोजन किया जाता है। गंगा आरती स्थल पर शासन की तरफ से टिनशेड लगाया गया है। पिछले काफी दिन से टिनशेड की हालत खस्ता होने से समिति ने इसकी शिकायत जिले के उच्च अधिकारियों से की थी, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। गुरुवार को तेज आंधी बारिश के चलते आरती स्थल पर टिनशेड गिरने से आरती कर रहे पुजारी बाल बाल बच गए, जिससे कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया। पुलिस में उपाधीक्षक के पद पर कार्यरत प्रेमलाल टमटा, आपको बता दें कि 40 साल 10 महीने की निष्कलंक पुलिस सेवा के बाद 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो गए। उनके साथ ही आपको बता दें कि अपर पुलिस उपनिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद भट्ट भी 37 वर्षों की पुलिस सेवा के बाद ऐच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए। टमटा जनता के साथ कुशल व्यवहार और किसी भी अपराध, सामाजिक और कानूनी समस्या के समाधान के प्रति रात फोन उठाकर समाधान करने की अपनी भरसक कोशिशों के कारण काफी लोकप्रिय थे। रायबरेली में रेडीमेड कपड़े की दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने दुकान में नकदी समेत हजारों का सामान पार कर लिया। पीड़ित ने थाने में शिकायत पत्र दिए हैं। आपको बता दें कि पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बाईपास रोड का है। हरदोई में 100 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में हरदोई के 4 स्कूलों पर FIR दर्ज हुआ है। कुछ दिन पहले हरदोई के कई स्कूलों में ईडी ने छापेमारी की थी और इस मामले में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर फाउंडेशन एंड जीविका कॉलेज ऑफ फार्मेसी मदारपुर सुंडीला के सेक्रेटरी रामगोपाल, RBP इंटर कॉलेज भिठाई हरदोई के प्रबंधक पूनम वर्मा, इसी के साथ ही ज्ञानवती इंटर कॉलेज माधोगंज के विवेक कुमार पटेल, JP वर्मा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गौसगंज के विवेक कुमार पर FIR दर्ज की गई है। संभल से हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक बच्चे के जन्म के बाद रात को मौत हो गई। परिजनों ने शव को कब्र से दफना दिया। आपको बता दें कि अगले दिन शव कब्र से गायब हो गया। खोजबीन के बाद गर्दन में रस्सी बंधा शव पेड़ पर रखा हुआ मिला, जहां घटना के पीछे तंत्र मंत्र की आशंका जताई जा रही है, तो वहीं पुलिस ने शव को PM को भेजा है। UP उत्तराखंड सीमा पर स्थित शारदा सागर डैम की मुख्य चारदीवारी की भीतरी सतह और पिचिंग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। डैम की हालत चिंताजनक बनी हुई है। डैम का अस्तित्व खतरे में है, तो वहीं स्थानीय ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए BJP और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ जहां BJP विधायकों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण देने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसदों द्वारा गोद लिए गए गांवों को हकीकत को धरातल पर जानने के लिए गांवों का दौरा करने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि उत्तराखंड कांग्रेस लगातार अपने संगठन को मजबूत करने का कार्य कर रही है। इटावा में आपको बता दें कि झोपड़ी में आग लग गई। आग से झोपड़ी के अंदर 2 पालतू पशु और घर गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामला थाना भरतना क्षेत्र के अंतर्गत कलंद्रा गांव का है। सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपी युवती और उसकी मां को जिला अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। मेडिकल परीक्षण से आपको बता दें कि विषैला पदार्थ खाने की पुष्टि नहीं हुई है। 6 मार्च को ADC कार्यालय पर दुष्कर्म पीड़िता ने जहरीला पदार्थ खाया था। ADG के आदेश पर दुष्कर्म की धाराओं में आरोपी युवती, पिता और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बन रहे हमारे साथ, नमस्कार।